हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप लोग। आज की रेसिपी है मैसूर मसाला डोसा की, और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। और आप लोगों का ही फेवरेट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, एंड आल्सो टेल योर फेवरेट साउथ इंडियन डिश। पर उससे पहले शुरू करते हैं रेसिपी से। सबसे पहले हम बनाएंगे डोसा का मसाला, और उसके लिए हम लेंगे ऑयल 4 to 5 टेबल स्पून, और ऑयल को गर्म होने देंगे ऑन हाई फ्लेम। और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 teaspoon मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, एंड 2 or 3 ड्राई रेड चिली एंड करी लीव्स, और फिर इसको 1 to 2 मिनट के लिए भून लेंगे ऑन मीडियम फ्लेम। देन हम ऐड करेंगे 1 chopped ग्रीन चिली एंड 1/2 teaspoon जिंजर, एंड देन इसको 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। एंड देन वील ऐड 1 chopped अनियन, एंड देन इसको सौते करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा पिंकिश ना हो जाए। एंड आफ्टर दैट वील ऐड 1 teaspoon चने की दाल एंड उड़द की दाल, एंड इसको सौते करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एंड उसके बाद वील ऐड 1 cup chopped टोमेटोज, एंड इसको जब तक सौते करेंगे जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। एंड आफ्टर दैट वील ऐड 1/2 teaspoon टर्मेरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, एंड देन मिक्स इट वेल। और उसके बाद हम ऐड करेंगे मैश बॉयल पोटेटोज, एंड इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड मेक श्योर जो डोसे का मसाला है ये ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम थोड़ा 2-3 teaspoon वाटर ऐड करेंगे जिससे डोसे पर अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी आलू मसाला। एंड देन फिर इसको कुक करेंगे कवर करके फॉर लाइक 2 to 3 minutes ऑन लो फ्लेम। 2 से 3 मिनट के बाद हम कवर हटा देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे, और फिर इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डोसा का मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। सांभर बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 cup अरहर की दाल, और इसमें ऐड करेंगे 2 cups वाटर, और इसको कवर करके रख देंगे फॉर मिनिमम 30 मिनट्स। 30 मिनट के बाद जब दाल अच्छे से फूल जाएगी हम इसको 2 से 3 बार धोएंगे। देन फिर हम इसको बॉईल करेंगे, और उसके लिए हम लेंगे कुकर, और उसमें ऐड करेंगे 2 cups ऑफ वाटर एंड वॉश दाल एंड 1 teaspoon सॉल्ट एंड 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर, और इसको बॉयल होने देंगे फॉर लाइक 4 to 5 whistles। अब दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है, अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करके साइड रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 4 teaspoon ऑयल, और उसको गर्म होने देंगे ऑन हाई फ्लेम। और उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 teaspoon मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, एंड 2 or 3 ड्राई रेड चिली एंड करी लीव्स, और इसको सौते करेंगे 1 to 2 minutes के लिए ऑन मीडियम फ्लेम। और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 chopped अनियन, और इसको सौते करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा पिंकिश ना हो जाए। एंड देन वील ऐड वेजिटेबल, जैसे कि मैंने इसमें यूज़ किया है घिया, कैरेट एंड बीन्स, और इसको भी सौते करेंगे अच्छे से जिससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड देन वील ऐड 1 cup चॉप टोमेटोज, एंड इसको भी सौते करेंगे। फिर आफ्टर दैट वील ऐड 2 teaspoon इमली का पानी एंड मिक्स इट वेल। और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 cup वाटर, और इसको अच्छे से स्टर करेंगे। फिर देन फिर इसको कवर कर देंगे और कुक होने देंगे फॉर लाइक 10 to 15 minutes ऑन मीडियम फ्लेम। और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर 1/2 teaspoon एंड कश्मीरी मिर्च पाउडर 2 teaspoon, एंड फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड देन वील ऐड सांभर मसाला 2 teaspoon एंड मिक्स इट वेल। और उसके बाद हम ऐड करेंगे बॉइल्ड दाल, और इसको अच्छे से स्टर करेंगे। फिर और उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 cups ऑफ वाटर, और अगर आपको लग रहा है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है तो इसमें और वाटर भी ऐड कर सकते हो फिर आप। एंड देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon सॉल्ट, एंड इसको अच्छे से स्टर करेंगे। फिर एंड देन इसको कवर करके कुक होने देंगे 15 मिनट्स के लिए ऑन मीडियम फ्लेम। और 15 मिनट के बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे, और इसमें ऐड करेंगे थोड़े कोरिएंडर लीव्स, और इसको फिर अच्छे से स्टर करेंगे। अब सांभर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। डोसा के बैटर के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 cup सूजी एंड 3/4 cup कर्ड, एंड देन फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड देन फिर हमें 3/4 cup ऑफ वाटर इसमें ऐड करना है, और पानी हमें इसमें पार्ट्स में ऐड करना है, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। एंड देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड आफ्टर दैट वील ऐड 2 tablespoon ऑफ व्हीट फ्लावर एंड 1 tablespoon ऑफ वाटर एंड मिक्स इट वेल। अब हम इस बैटर को 30 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। 30 मिनट के बाद हम इस बैटर में 3/4 cup ऑफ वाटर ऐड करेंगे, एंड देन मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। एंड मिक्स करने के बाद जब बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी स्मूथ हो जाए, उसके बाद हम नॉनस्टिक तवे को हीट करेंगे फॉर लाइक 4 to 5 minutes ऑन हाई फ्लेम। जब तक तवा गर्म होता है हम बैटर में डालेंगे 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा, एंड देन फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डोसा का बैटर बिल्कुल रेडी है, और उसके बाद हम गर्म तवे पे थोड़ा पानी स्प्रिंकल करेंगे, और पानी स्प्रिंकल करने के बाद ऐसे बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका तवा बिल्कुल गर्म है। एंड देन फिर इसको टिश्यू से साफ कर देंगे। एंड देन हम डोसा का बैटर पोर करेंगे, एंड इस टाइम फ्लेम मीडियम रहेगी। एंड बैटर पोर करने के बाद हम इसमें स्प्रेड करेंगे 1 tablespoon बटर, एंड देन फिर उसके बाद चारों साइड्स में हमें थोड़ा ऑयल स्प्रिंकल करना है। बटर स्प्रेड करने के बाद हम स्प्रेड करेंगे रेड चटनी, और रेड चटनी की रेसिपी मैं कैप्शन में लिख दूंगा, तो आप वो जरूर चेक कर लेना।
और उसके बाद जो हमने डोसा का मसाला बनाया था वो ऐड करेंगे हम इसमें। और जब डोसा की चारों साइड्स गोल्डन ब्राउन होने लग जाए इसका मतलब आपका डोसा बिल्कुल रेडी है। योर डिलीशियस एंड क्रिस्पी मैसूर मसाला डोसा इज रेडी टू सर्व। जरूर ट्राई करना ये रेसिपी और मुझे ये भी बताना कि कैसी लगी ये रेसिपी वीडियो आपको।